आपको पता है आप ऐसे बैकग्राउंड थंबनेल कहां से डाउनलोड कर सकते हो? नहीं पता ना, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहो एंड तक, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको बैकग्राउंड थंबनेल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन कर लोगे तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या सर्च करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है थंबनेल बैकग्राउंड। जैसे आप यहाँ पर थंबनेल बैकग्राउंड को सर्च कर दोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा आपको इमेज पर क्लिक कर देना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे जिसे आप अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी इमेज आपको डाउनलोड करनी है तो सिंपल सा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इमेज पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज, तो सिंपल सा आपको यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप में से कई लोगों के मन में ये डाउट आ जाएगा कि यहाँ से हम इमेज डाउनलोड करके यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो आएगा या नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल नहीं आएगा, आप यहाँ से इमेजेस जो है यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके जो आप बैकग्राउंड थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।